सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज भी ये प्रश्न है लोगों का कि परमात्मा सृष्टि को रचने वाले, पालन करने वाले हैं, श्रृंगार करने वाले हैं, तो अपनी सृष्टि को क्यों नहीं संभाल रहे हैं, ये क्या हो रहा है। ये आज व्यक्ति प्रश्न करता है और ये प्रश्न कलयुग के प्रारंभ काल में भक्ति ने किया था देव ऋषि नारद। दो प्रश्न, एक तो ये कि समर्थ होते राजा परीक्षित ने कलयुग को क्यों नहीं मार दिया, क्यों छोड़ दिया, और दूसरा प्रश्न श्री हरि से जो सर्व समर्थशाली हैं, ये सब अत्याचार श्री हरि से कैसे देखा जा रहा है, क्यों नहीं इन अपनी सृष्टि में विकृतियों को वो ठीक करते, क्यों नहीं ढंग से संचालन कर पाते। एक राजा अपने राज्य में जब ढंग से प्रजा का संचालन नहीं कर पाता, वो फेल हो जाता है। क्या श्री हरि फेल हो गए सृष्टि को संभालने में? ये भक्ति का प्रश्न है, और भक्ति का नहीं आज के प्रत्येक मानव का ये प्रश्न है कि जब परमात्मा है तो फिर वो सृष्टि का संचालन ठीक से क्यों नहीं कर रहे हैं। अब इन दो प्रश्नों का उत्तर देव ऋषि नारद जी देते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर दिया कि क्यों नहीं संभाला, और ये दो प्रश्न है, राजा ने क्यों नहीं कलयुग को ठीक किया। यहां राजा का मतलब संत महाराज, ये संत क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं, इनकी पावर कहां चली गई। और दूसरा प्रश्न भगवान से कैसे देखा जा रहा है, भगवान क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं। संतों के पास भी पावर नहीं, भगवान के पास भी पावर नहीं। आज के व्यक्ति कहते हैं, कहीं ऐसे मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पर कि कोरोना ने दिखा दिया कोई भगवान नहीं, कोरोना ने दिखा दिया संतों के पास कोई पावर नहीं। अज्ञानी है, नहीं जानते है। अब इसका उत्तर देव ऋषि नारद जी देते हैं कि कलयुग को क्यों रहने दिया। तो यहां देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि राजा परीक्षित बड़े बुद्धिमान थे, इसलिए कलयुग को छोड़ दिया। कारण क्या? क्योंकि जो सतयुग में अपना उद्धार नहीं कर सके कठिन तपस्या ध्यान त्याग करके, और जो त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करके अपना उद्धार नहीं कर सके, और द्वापर युग में जो परिचर्या सेवा पूजा करके अपना उद्धार नहीं कर सकते, ऐसे जो नालायक हैं सबको भगवान ने कलयुग में पैदा कर दिया और अपनी प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग दिखा दिया। क्या यदि तुम सतयुग के लोगों की तरह त्याग वैराग्य वनों में जाकर ध्यान तपस्या नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। यदि त्रेता युग के लोगों की तरह तुम बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। यदि द्वापर युग के लोगों की तरह तुम अर्चा विग्रह की सेवा पूजा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। मैं जानता हूं तुम तब तीन युगों में अपना उद्धार नहीं कर सके, कलयुग में कैसे करोगे, इसलिए मैंने कलयुग में तुम्हारे लिए छूट दे दी। यज्ञ नहीं होता मत करो, ध्यान नहीं होता तप नहीं होता मत करो, पूजा नहीं होती मत करो, केवल हरि नाम जप संकीर्तन करो, इतने से ही उद्धार हो जाएगा। तो जो तीन युगों में अपना उद्धार नहीं कर सके, तो भगवान ने कलयुग में पैदा करके उनके लिए सरल मार्ग दे दिया, कौन सा, नाम जप कीर्तन का। और ये बात जब कलयुग ने समझी, कहा कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, कलयुग के समान भक्तों के लिए कोई और अच्छा युग नहीं आएगा, इसमें बिना तप यज्ञ पूजा किए केवल हरि नाम जप कीर्तन से ही भगवत प्राप्ति हो जाती है।